जिंदाबाद रे, रे जिंदाबाद रे, रे अहमदाबाद रे, रे 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 शकरो बाज रे, शाही मिजाज रे, रे अहमदाबाद ऊंची ऊंची मांडे छे आंख रे, रे खोले पाक रे, रे अहमदाबाद बाबा जोड़ा जे ऊ तो फानी रे, के स्वाभिमानी रे। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, ये आज का हमारा नया वीडियो है अहमदाबाद कांकरिया लेक, जो कि बहुत फेमस है अहमदाबाद में। एंड आज हम इसको ही करने वाले हैं। तो ये पहले टिकट काउंटर है, ये एंट्री गेट है। तो ये है, पहले हम इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। ये पूरा कांकरिया बहुत ही सुंदर मैंने बनाने की कोशिश की है, एकदम रियल बनाने की। तो पहले हम किच सिटी वाले गेट से गए हैं। एंड ये किच सिटी है और सॉफ्ट साइड है। तो पहले किच सिटी घूम लेते हैं। अंदर तो कुछ नहीं है, इंटीरियर मैंने नहीं बनाया है। और हम अभी आगे जाते हैं, शॉप्स है बहुत सारी, तो देख लेते हैं शॉप्स को। बहुत सारी शॉप्स मैंने बनाई है इस साइड, लगभग 9 शॉप्स है। देखते देखिए, ये रही सब शॉप्स। एंड आगे जाते ही फन वर्ल्ड आता है। ये फन वर्ल्ड है, बाद में आगे जाके एम्यूजमेंट पार्क भी आएगा। टिकट है 30 रुपीस। एंड यहाँ पे रोलर कोस्टर एंड फेरिस व्हील है, फेरिस व्हील। तो पहले फेरिस व्हील देख लेते हैं। उसमें जो ये केबिन्स जैसे रहते हैं, उसके अंदर बैठना रहता है एंड बाद में देखना रहता है। अब ये साला चढ़ क्यों नहीं रहा है। ओके, फाइनली चढ़ गया है। तो यहाँ से दिखेगा एंड टॉप व्यू दिखाता हूँ। ये पूरा फेरिस व्हील है देखिए। एंड यहाँ से भी कांकरिया लेक दिखता है, अंदर से भी दिखता है। ये देखिए, खतरनाक कांकरिया लेक दिख रहा है। और नीचे जाते हैं, रोलर कोस्टर की एक बार राइड ले लेते हैं। इसमें मैंने सर्कल वाला जो रोलर कोस्टर आता है उसको बनाने की ट्राई किए। ऐसे एकदम गोल तो नहीं बना, पर मतलब मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था इस तरह का बनाया था, तो मैंने ये बनाया है। एंड एकदम खतरनाक राइड है ये। और अभी हम आगे भी जाएंगे, आगे बहुत खतरनाक चीज़ें मैंने बनाई है। जू तो बहुत अच्छा ही बनाया है मैंने। और अभी हम आगे जाते हैं। अभी बालवाटिका आएगा, बालवाटिका बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छी जगह मैंने बनाई है। उसमें छोटी सी रिवर बनाई है और बहुत सारा आप देखेंगे। एंड यहाँ के भी टिकट है, टिकट ये देखो बालवाटिका एंड टिकट है 50 रुपीस बालवाटिका है। चलिए उसके अंदर भी देख के आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक थोड़ी सीढ़ियाँ है, यहाँ पे एक रिवर है, ऊपर एक येलो कलर का ब्रिज है एंड इस साइड हट टाइप का एक झोपड़ा जैसा बनाया है। वहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही है। और मैं वहाँ पे गया हूँ इसलिए मुझे बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगी, पर मुझे कम से कम 3 वीक्स तो लग ही गए होंगे इसको बनाने में। एंड यहाँ पे 2 गेट्स है, यहाँ पे भी एक एंट्री गेट है, टिकट लेने के एंट्री गेट वाला मतलब। एंड यहाँ पे भी एक एंट्री गेट है। और आगे है जू। एंड यहाँ पे जो आप येलो कलर की केबिन देख रहे हो वो है ट्रेन राइड की केबिन। हम लास्ट में ट्रेन राइड भी करने वाले हैं, तो उसको मिस मत करना, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा व्यू है। ट्रेन राइड 50 रुपीस टिकट है। और आगे चलते वहाँ पे जू है, जू भी देख लेते हैं। तो ये रहा जू, यहाँ पे लिखा है जू एंड टिकट 100 रुपीस है यहाँ की। तो हम सिंपल तरीके से चले जाते हैं।
यहाँ पे बटन भी मैंने रखा था, पर हम सिंपल तरीके से चले जाते हैं। एंड यहाँ पे कुछ चिकन्स हैं, और देखिए आप चिकन्स, अभी अंडा का चाहिए रे बाबा। अभी तू जाना रे। तो गाइस ये मैं फुल वेजिटेरियन हूँ, अंडे हाथ में भी नहीं पकड़ता, इतना वेजिटेरियन हूँ, तो इसको फेंक देता। हम आगे जाते हैं, यहाँ पे गाय, बहुत सारी काउस एंड आगे पोलर बेयर्स है और वॉल्स है, यह कुत्ते वॉल्फ, सॉरी आगे वो पांडा से। और मुझे कमेंट में बताना ब्राउन वाला या ब्लैक वाला कौन सा सबसे अच्छा है। और पांडास तो बैम्बू खाते, देखिए आप देख ही सकते हैं, मुझे तो सब क्यूटी लग रहे हैं। एंड आगे और भी सब कुछ है, मतलब अभी पिक्स आ रहे हैं, देखिए ये पिक्स है, ये पिक्स है, बाद में सीप्स है, थोड़ी ज़्यादा तीन चार है, एंड लाल मास है, ये हॉर्स है, एंड ये डोंकीस है, ये म्यूल है, एंड क्या होते हैं बॉक्स है, यहाँ पे कुछ ये टाइगर जैसी बिल्लियाँ है, यहाँ पे मशरूम्स है, रैबिट्स है, सी टर्टल है, ये देखिए, एंड यहाँ पे कुछ कैट्स है, देखिए कितने क्यूट क्यूट है, एंड यहाँ पे है गॉट जो कि बहुत खतरनाक रहती है, एंड आगे है पोलर बियर, कोई दिक्कत नहीं क्रिएटिव में कुछ नहीं करेंगे चलिए। एंड यहाँ पे जाते हैं और बहुत क्यूट क्यूट है पोलर बियर्स भी, और मुझे पांडास और पोलर बियर्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर पोलर बियर थोड़े खतरनाक रहते हैं। बाद में आगे फिश वाली भी, मतलब मैंने एक एक्वेरियम जैसा भी बनाया है, तो वो भी हम देखने जाएंगे, उसमें बहुत सारी फिशेस है एंड दो तीन टाइप के बर्ड्स है, पैरोट पैरोट बैट्स वो सब, तो चलिए देखते हैं वो भी। तो देखिए वो रूम जैसा आप दिख रहे हैं, वो ये हॉल है बड़ा सा, उसमें ये सब कुछ डॉल्फिन वो सब। तो यहाँ पे कॉड फिश है, यहाँ पे बैट्स है, यहाँ पे पैरट्स है, वो तो सब आप देख ही सकते हैं, बहुत में आप बहुत सारी फिशेस आएंगी, ये कलरफुल फिशेस है, ये खाली पड़ा है। और आगे है ये फिशेस, ये फिशेस वो लंबी लंबी है, रेड एंड ग्रीन कलर की, ये प्रॉपर फिश है। एंड यहाँ पे ग्लो स्क्विड एंड सिंपल स्क्विड है, यहाँ पे बहुत सारी डॉल्फिन्स है, डॉल्फिन्स बहुत ही क्यूट लगती है। एंड अभी हम बाहर जाते हैं, एंड अभी आएगा बटरफ्लाई पार्क, जो कि वहाँ पे तो बाजू में ही है, पर मैंने थोड़ा दूर बनाया है डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, मैंने थोड़ा दूर बनाया है। यहाँ पे एक गेट है और आगे है बटरफ्लाई पार्क, वो आप सामने जो बटरफ्लाई बड़ा सा देख रहे हैं वही है, वहाँ पे ऐसे बाहर पे एक बड़ी सी बटरफ्लाई बनाई हुई है, ऐसी क्यूट सी बटरफ्लाई वहाँ पे भी है, बटरफ्लाई पार्क लिखा हुआ है। बटरफ्लाई पार्क में तो अंदर बहुत सारी चीज़ें, पर मैंने बहुत सब कुछ नहीं बनाया, मैं वहाँ पे नहीं गया था अंदर, इसलिए यहाँ पे एक बटरफ्लाई वाला मैंने फाउंटेन बनाया है। और आगे जाते ही यहाँ पे एक एम्यूजमेंट पार्क आता है, इसका नंबर 2 है, मतलब 1 में फन वर्ल्ड था और 2 में एम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, एंड यहाँ पे 2 टाइप की राइड्स हैं। तो पहली राइड है ये शिप वाली, शिप पुली पूरी, मतलब झूले खाती वो वाली है, यहाँ पे सब सीट्स हैं, एंड ये लीवर दबाते ही जिसके जो मतलब प्लेटफॉर्म है वो सब नीचे चले जाते हैं, ये देखिए, जिससे शिप को चलने में आसानी हो, प्रॉब्लम कुछ ना हो। एंड अभी हम देखने वाले हैं बच्चों वाली राइड, इसमें हर कोई एक बार तो बच्चा बैठा ही होगा, जब बच्चे होंगे तो हम एक बार ही तो बैठे ही होंगे। ये हॉर्स वाली राइड है, गोल गोल घूमती है, सब मेले में और वहाँ पर सब होती है। एंड यहाँ पे कुछ शॉप्स है, एंड आगे गेट है, यहाँ पे भी थोड़े शॉप्स है, एंड हम जहाँ से आए थे वहाँ वो जगह दिख रही है,
यहाँ पे होटल बलून है जो कि बहुत ही मतलब वहाँ पे बहुत आपको मजा आ जाए ऐसी कहते हैं। और टिकट है 500 रुपीज है। एंड ये रही देखो लाइन है, ये टिकट जब मैं गया था तब की मैंने लिखी, अभी व्यू की नहीं लिखी। एंड हॉट एयर बलून की टिकट मैंने नहीं देखी थी, वो तो मैंने सिर्फ 500 लिखे। एंड ये रहा हॉट एयर बलून, यहाँ से भी सब पूरा नज़ारा दिखता है। एंड आगे अभी हम जहाँ से एंटर हुए थे वही आ गया। अभी हम एक शिप मतलब सॉरी बोट की एक राइड लेंगे और ये है नगीना वाड़ी जहाँ पे हम जाने वाले, जो जहाँ से दिखता है। एंड वहाँ से बहुत बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता है वहाँ पे। ये रास्ते पे भी बहुत सारे ट्रीज है पर मैंने वो नहीं बनाए क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। तो शॉप से यहाँ पे एक छोटी सी ट्री है, वहाँ पे चेयर्स भी लगाई मैंने ट्रीज के नीचे देखे। एंड ये थी नगीना वाड़ी। एंड अभी हम ट्रेन राइड करते हैं, बोट राइड करते हैं। तो अभी हम पहले बोट राइड करेंगे। ये देखिए बोट के लिए स्टैंड्स, ये बोट में राइड करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी कौन सी बोट में राइड करते हैं ये वाली को भी करती है, अच्छी लग रही है। तो अभी इसमें हमें बैठ गए हैं, यहाँ पर नीचे फिशेस भी दिख रही है, ये बारिश आ रही है। तो पहले क्लियर रेड करता हूँ मतलब वेदर क्लियर करता हूँ। तो ये मैंने ट्रेंडिंग तो क्लियर वेदर कर लिया है, तभी हम आराम से घूम सकते हैं। पहले और हमने पूरा काकरिया देख लिया है, इसलिए हम यहाँ से ही मुड़ जाते हैं और वहाँ पर सामने चले जाते हैं पार्किंग में। एंड अभी हम ट्रेन ड्राइव भी करने वाले। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस एंडी ब्रो को, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से सब वीडियोस बनाता हूँ और आप ऐसे ही चले जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत हर्ट होता है मुझे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें 500 सब्सक्राइबर्स करने हैं जल्दी से जल्दी। एंड चलो हम ट्रेन राइड कर ही लेते हैं, लेट्स गो गाइस। ट्रेन राइड की शुरुआत हमने जो पूरा काकरिया तालाब घूमा वो सब इसमें छोटी सी राइड में सब दिख जाएगा। तो चलिए ये भी देखते हैं और मज़े करते हैं।
तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करो एंड लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।